डालकर मुख्य धारा में लौटने की अपील। और पीपल कॉन्फ्रेंस की सियासी दलों से चुनावों की तैयारियां शुरू करने की अपील। सजात लोन बोले, लोकतंत्र की बहाली के लिए सहयोग दे सभी पार्टियां। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य कश्मीर में श्रीनगर जिले में आज हुई मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में दो लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को मार गिराया गया है और जिनके कब्जे से हथियार भी गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान अब्बास शेख और साकिब मंजूर के रूप में की गई और सूत्रों का कहना है कि मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी टॉप कमांडर थे और पुलिस द्वारा हाल ही में जारी की गई मोस्ट वांटेड लिस्ट में इनका नाम शामिल था। तो सेना ने हिंसा का रास्ता इख्तियार कर बंदूक थाम चुके युवाओं से एक बार फिर से मुख्य धारा में लौटने की अपील कर दी है। सेना का कहना है कि ऐसे युवा अगर वापस लौटना चाहते हैं तो उनका खुले बाहों के साथ स्वागत किया जाएगा। और गांदरबल में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सेना की उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने कहा कि सेना राह भटक चुके युवाओं को मुख्य धारा में लौटाने का पूरा प्रयास कर रही है और यही वजह है कि मुठभेड़ में यहां जो आतंकी हथियार डालने की अपील कर रहे हैं। यानी आपको ये बताते चले कि इस पूरे वाक्या को लेकर बातचीत जिस तरह से चली है कि मुठभेड़ों के दौरान भी आतंकियों से हथियार डालने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि सेना मानवाधिकारों का भी पूरा ख्याल रख रही है और राह भटक चुके युवाओं को दूसरा मौका दे रही है और अगर कोई भी अपनी गलती मानकर वापस लौटना चाहता है तो उसका स्वागत है। Make all out efforts to ensure that we seek surrenders and facilitate surrenders even when we are in the midst of intense operations. We want our youth to come back to the mainstream and we always welcome them with the open arms. The Indian Army gives a lot of importance to observing human rights when conducting counter-terrorist operations. We ensure that we use minimum force and there is minimum collateral damage. Lastly, through you, I want to send a message to the Awam that the Indian Army is there to give a second chance to any youth who accepts his mistakes and wants to surrender and come back to the mainstream. We, the uniformed forces, are here to save lives and not to take lives. The system, the entire administration will facilitate not only the surrender, but also to ensure that they are well integrated back into the mainstream. तो पीपल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के सभी सियासी दलों से अलगाव की भावना का त्याग कर चुनावों की तैयारियों में जुट जाने की अपील कर दी है। गुपकार अलायंस द्वारा कल श्रीनगर में बुलाई गई बैठक के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में पीपल कॉन्फ्रेंस के सदर सजात लोन ने कहा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए ऐसी बैठकें बेहद जरूरी हैं। जम्मू कश्मीर में वैसे भी 3 सालों से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है और अब समय आ गया है कि सभी दलों को लोगों के बीच पहुंचकर चुनावों की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमारा है और हमें ही यहां जीना मरना है, लिहाजा हमें ही इसका ख्याल रखना होगा क्योंकि केंद्र का राज यहां अस्थाई है। और इससे पहले समाजसेवी मुश्ताक अहमद लोन आज पीपल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए जिनका लोन और उनके सहयोगियों ने पार्टी में जोरदार स्वागत किया। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, उनका हक बनता है डेमोक्रेसी में, वो मीटिंग करें, बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त जो है 3 साल से शायद पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हम हों या वो हों, वो लोगों से मिलें, लोगों से रابطہ रखें। एलिनेशन अच्छी नहीं है, ये जे एंड के स्टेट हमारी स्टेट है, हमने यहाँ रहना है, हमने यहाँ मरना है, हमारी कब्र यहाँ होगी, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। We have to take care of this J&K state. ये जो political establishment में दिल्ली में है या जो governor का establishment, ये तो temporary है। We are the permanent people. हमें ख्याल रखना है अपने लोगों का, हमें किसी भी हालत में रابطہ नहीं तोड़ना है।
बाकी ये उतार चढ़ाव सैलाब आते हैं सियासत में, जैसे आज एक सैलाब है 3 साल से जो पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, अफसर राज है, तो ये एक वी हैव टू, बट बहरहाल वो अफसर तो उनका रिटायरमेंट के बाद घर चले जाएंगे, हम तो रिटायरमेंट के बाद भी इधर ही हैं, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर पीपल। तो उधमपुर के जिला अस्पताल में आज एक महिला 2 दिन की नवजात बच्ची को छोड़कर फरार हो गई है और जीते जागते मिसाल आपको आज दिखाएंगे कि कलयुगी मां की किस तरह से सामने आई है। जाते जाते ये महिला बच्ची के पास दूध का एक पैकेट भी छोड़ गई। ये पूरा मामला अस्पताल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया और अभी तक हालांकि ये साबित नहीं हो पाया है कि इस बच्ची को अस्पताल में छोड़ने वाली महिला बच्ची की मां थी या फिर कोई और। अस्पताल के स्टाफ की माने तो इस बच्ची की डिलीवरी इस अस्पताल में नहीं हुई है और इस बच्ची की देखभाल अस्पताल में तैनात महिला पुलिस व स्टाफ के सदस्यों द्वारा की जा रही है। और आपको ये भी बताते चले कि इससे अस्पताल में छोड़ने वाली महिला की तलाश भी की जा रही है। कोई बाहर डिलीवरी होम डिलीवरी है ये, क्योंकि जब भी हमारे कोई डिलीवरी होती है हम उसको काट के क्लंप लगाते हैं, लेकिन ये क्लंप नहीं लगा हुआ, इसको धागा लगा हुआ है, ये हमारे हॉस्पिटल की डिलीवरी नहीं है। और साथ में ये बच्चा न्यू बॉर्न भी नहीं है, ये 2-3 दिन का बच्चा है। किसी को बताते जाते हैं भाई मेरे बच्चा नहीं रखना, आप किसी को हैंडओवर कर दो, ये बात अलग थी। किसी और को भी अनाथालय में या किसी में भी छोड़ देती तो अच्छी बात, कम से कम बच्चे की केयर तो होती ना, ऐसे बच्चा उधर फेंक के चले गए ये तो अच्छा नहीं किया। मचेल यात्रा की पवित्र छड़ी का आज दरबार में पहुंचने पर स्वागत किया गया। कोरोना के कारण मचेल यात्रा पर लगी हुई पाबंदी के बीच यहां चुनिंदा लोग पवित्र छड़ी को लेकर मां के दरबार में पहुंचे, जहां परंपरा के मुताबिक छड़ी पूजन किया गया। और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर मचेल यात्रा के साथ साथ श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी रद्द कर दी थी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में पूर्व मंत्री ने सुचेतगढ़ विधानसभा की पंचायत कलोए और उनके साथ ही अन्य गांव में भी जरूरतमंद लोगों में टेबल फैन वितरित किए। और इस अवसर पर मौजूद सुचेतगढ़ बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह और कलोए पंचायत के सरपंच ओमकार सिंह भी और साथ ही साथ पूर्व मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे और लोगों ने भी पूर्व मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पूर्व मंत्री ने जरूरतमंद लोगों में टेबल फैन वितरित किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी सुचेतगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को कोई मुसीबत पेश आती है तो उनकी मदद के लिए पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी हर समय तैयार रहते हैं। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के उप प्रधान स्वर्ण सिंह, मंडल प्रधान कृष्ण चौधरी और उनके साथ कई अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साहब की तरफ से गरीब लोगों को, जितने भी बेचारे लोग जो गरीब लोग हैं बाटे के चंडीगढ़ के, इनको पंखे फैन दिए गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, तो गर्मी को देखते हुए चल साहब ने कम से कम 50 पंखे इन लोगों को दिए हैं, तो पहले भी दिए थे और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको आगे भी देंगे। तो इसी चीज़ को गर्मी को मद्देनजर रखते हुए चल साहब ने दिया पंखे दिए। इन्होंने पहले भी सेवा जो है लोगों की हमेशा करते रहे और जो भी जरूरतमंद लोग जो है हर पंजाब के जिनको पंखे की जरूरत थी और सभी लोगों ने और सभी सरपंचों ने अपने अपनी पंजाब से जो जरूरतमंद लोग हैं उनको यहाँ लेकर अपने चौधरी श्यामलाल जी ने पंखे उनको दिए हैं। और ये एक बार नहीं, ये कम से कम अभी गर्मी के जब का सीजन चला है तो ये तीसरी और चौथी बार जरूरतमंद लोगों को पक्के ये दे चुके हैं। और चौधरी श्यामलाल जी हमेशा जब भी किसी भी चीज़ की जरूरत लोगों को होती है, हमारी कंस्टिट्यूंसी जो है वो बॉर्डर के ऊपर है, जब भी लोगों को किसी तरीके की भी कोई समस्या आ जाए तो चौधरी साहब हमारे साथ जो है वो खड़े हो जाते हैं।
तो अरनिया के त्रेवा गांव में भी आज 9वीं कक्षा के किशोर की नशीले कैप्सूल खाने की वजह से तबीयत बिगड़ गई है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे डॉक्टर ने रेफर कर दिया है। और इस किशोर के परिजनों की माने तो उनका पुत्र नशे का आधी नहीं है और किसान यहां पर वो काम भी करते थे। आपको बताते चले कि किसने ये जानबूझकर उसे नशीले कैप्सूल खिला दिए हैं, जिससे उसकी जान पर ये बनाई है। इस किशोर के परिजनों ने पुलिस को इत्तला दे दी है, जिससे पूछताछ भी अब शुरू की जाएगी। बड़ी मुश्किल मुंडा मेरा पुजे, मैं अरनीए लै गया पिंड अरनीए लै जाऊ, अरनीए ले कहते मैं नवे शहर लै जा, और मेरा कला मुंडा मैं इतना परेशान, मैं रात पट्ठे बढ़ने जिमीदार बंदा दिहाड़ीदार बंदा, खिलाए गए खा नहीं सकता मुंडा मेरा, मैं क्योंकि घर में डांटे देने बच्चे यह कर नहीं सकते, उन्होंने मैं पूरा साबित करके दसिया मेरी लत्त दर्द ही, तो मैं पूछा यार डॉक्टर को जाना दवाई लानी है, तो उन्होंने मैंने कोलू दिते दर्द आया कैप्सूल खाया। तो कठुआ शहर के पार्लेवन इलाके में यातायात के दबाव के मद्देनजर यहां फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका आज नींव पत्थर रखा गया। म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष नरेश शर्मा व पार्षदों ने मिलकर इस काम का श्री गणेश करवाया है और ये फ्लाईओवर बनने से कठुआ के कई वार्डों में लोगों को बेहद राहत मिलेगी और यातायात भी सुचारू हो पाएगा। फुटब्रिज के पास ये जो फ्लाईओवर बनेगा, जहां आप लोग देखते हो सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं, जहां बुजुर्ग रोड के ऊपर इतना प्रेशर है, इतनी ट्रैफिक है कि बुजुर्गों को और बच्चों को आने जाने में बड़ी मुश्किल होती थी रोड पार करने के लिए और एक्सीडेंट होते थे। फ्लाई ओवर बनाया जा और भी बहुत लोगों की डिमांड थी, लेकिन आज उनकी डिमांड म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ की बनी, तो आज जहां की काउंसलर जिनको डायरेक्ट ये ब्रिज टच करता है, वो वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 को ये टच करता है, आज उन लोगों की खास करके पार्लियामेंट पूरे इलाके के अंदर उनकी डिमांड आज। बेरोजगार डेंटल सर्जनों ने सुनवाई न होने के विरोध में आज भाजपा के मुख्यालय का भी यहां प्रदर्शन कर दिया है, घेराव कर दिया है। यानी भाजपा जम्मू मुख्यालय के बाहर आज इन लोगों ने प्रदर्शन किया और इन लोगों ने आरोप लगाया है कि वो साल 2008 से दरबदर हो रहे हैं और इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि भाजपा भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाई है। पिछले 13 सालों से डेंटल सर्जन के पद घोषित न होने की वजह से वो बेरोजगारी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इंडिया के लिए रिफॉर्म ला रहे हैं, जेएनके के लिए रिफॉर्म ला रहे हैं, तो हम उनसे पूछने आए कि आप डेंटल सर्जन के लिए क्या लाए हैं। हमें तो 2008 से दरबदर किया गया है, तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे। इसलिए जहां उम्मीद होती है वही इंसान आता है। जेन्युइन डिमांड लेकर आए हैं, हमारी 13 साल से कोई जॉब्स नहीं निकली है, तो प्लीज हमें अपॉइंटमेंट दीजिए। हमें ऐसा लगता है कुछ मीडिएटर्स हैं जो आपको गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वेकेंट सीट्स पे हो जाएगा, बट वेकेंट सीट है ही नहीं। तभी हम कह रहे हैं कि क्रिएशन होनी चाहिए, 13 साल से जो लैग हो गया है उसको फिलअप करने के लिए क्रिएशन होनी चाहिए। 7,000 से ज्यादा डेंटल सर्जन अनएम्प्लॉयड है। खौड़ ब्लॉक के नारायणी गांव के लोगों को मिल रही बिजली के बिलों ने उनके होश उड़ाकर रख दिए हैं। लोगों ने आज बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उस पर मनमर्जी के बिल भेजने का आरोप लगा दिया। लोगों का आरोप था कि ये बिल पूरी तरह से एक छलावा है, जिन्हें भरना उनकी बस की बात अब नहीं है। हद तो ज्यादा बदा ज्यादा ये सारे लोग कट्ठे हुए हैं, जिदे करिए मैं PDT डिपार्टमेंट के अगर भी गुहार ला कि इन्हें लोगों की प्रॉब्लम का कोई सलूशन क्ढ़िया जा, क्योंकि इन्हों गरीब लोग ने इस कोविड के लोग दिन ब दिन इनका बिल बदा ज्यादा, इनकी बिलों के ऊपर कोई कार्रवाई की जा, जो भी इन्हें आश्वासन दिता है कि अह चेक कर गए, लेकिन मैं भी पूछा ने कि हर घर बंद इतना पुज ही नहीं सकता, लेकिन इनका कोई फर्ज बनता है ग्राउंड से जाइए चेक कर कि इन्ना ज्यादा बिल कि बिगड़ता। ऐसा नहीं है कि ये लोग बेचारे इं उठी आई गए हैं, इस गर्मी तपती धुप से उठी इतना आए हैं, मिली है। मैं चाहना कि PDT डिपार्टमेंट वाले सारे जाइए इन्हें ग्राउंड से जाइए चेक कर।
कृष्णा के ललियाना गांव में स्थित तंत्र वेद स्थान पर भी आज वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया और इस देवस्थान पर हर साल भव्य मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण लागू की गई पाबंदियों के चलते यहां इतनी रौनक नहीं देखी गई और इस देवस्थान पर सांप के काटे जाने का भी इलाज किया जाता है और सर्पदंश से शिकार दूर दूर से जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचते हैं। लोगों ने आज देवस्थान पर माथा टेका और परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। तो जम्मू में कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आना जारी हो चुके हैं और दूसरी लहर का प्रकोप हालांकि काफी हद तक शांत हो चुका है, लेकिन जीएमसी की लैब में अभी भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो रही है। जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा के मुताबिक समाज कोरोना वायरस अभी भी घिरा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी समाज में कोरोना वायरस हम सबके साथ चल रहा है, सक्रिय है वायरस और 20 साल से कम उम्र के लोगों के भी इसकी चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे हालात में लापरवाही बेहद घातक साबित हो सकती है और संक्रमण से बचाव अब लोगों के हाथ में है। जो एडमिशंस और पॉजिटिविटी ये डिजीज एक्टिविटी इंडिकेट कर रहे हैं, मींस वायरस एक्टिविटी है कम्युनिटी में, और क्योंकि ये पैंडेमिक पोटेंशियल वाला ट्रांसमिसिबल वायरस है और जिसके बारे में ऐसी प्रेडिक्शंस हैं कि ट्रांसमिशन बढ़ता जा रहा है, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ रही है और कुछ ऐसे भी प्रेडिक्शंस हैं कि लेस देन 20 ना कहीं चपेट में आ जाए। तो बिल्कुल काफ़ी वजह हैं हमारे पास, अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको रिलीजियसली फॉलो करते रहने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि हम लापरवाही मोड में जाएं और इस जैसे कि हम भुगत चुके हैं पहली वेव को और एक घातक दूसरी वेव को, तो नियंत्रण हमारे हाथ में है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती द्वारा हाल ही में दिए गए बयान पर बवाल चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जम्मू में आज भाजपा की ओबीसी मोर्चा के अलावा आरएसपुरा की मरालिया में भी भाजपा ने प्रदर्शन कर महबूबा को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके अलावा जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी महबूबा मुफ्ती का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया और भाजपा ओबीसी मोर्चा ने महबूबा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की भी मांग कर दी। वहीं मरालिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महबूबा के तालिबान प्रेम की कड़ी निंदा की। उधर राष्ट्रीय बजरंग दल ने केंद्र सरकार से महबूबा को जेल की सलाखों के पीछे डालने की भी मांग की। कि जम्मू कश्मीर के लोगों के बर्दाश्त की हद हो चुकी है आपको झेलते झेलते, और ये जो तालिबान समर्थक ये ध्यान दे रहे हैं लगातार, मैं चाहता हूँ इनको कहना चाहता हूँ कि 6 महीने अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान में छुट्टियां मनाने जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि तालिबान की असलियत क्या है। ये तो मुसलमानों के भी सगे नहीं है, वहाँ पे हजारों मुसलमान औरतों बच्चियों और लोगों के कत्ल हो रहे हैं, ये उनकी सहमति उनके साथ नहीं है। ये हमेशा तालिबान और हमेशा पाकिस्तान और उग्रवादियों के हक में इनके समर्थन में इनके बयान होते हैं, और ये देशद्रोही बयान आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से इनका जो एक पुतला फूंका गया, और हम ये चाहते हैं कि हम इसको कब तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर्वप्रथम वंदे मातरम। आज जो हमारा ये प्रदर्शन है ये महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी के अध्यक्ष हैं और भूतपूर्व सीएम हैं जेएनके की, उनके खिलाफ है। उन्होंने परसों एक बयान दिया था कि तालिबान के हक में, तालिबान के फेवर में बयान दिया था कि कश्मीर में, अगर कश्मीर में वही हालात बनेंगे जो तालिबान में बने हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। महबूबा को ये समझना चाहिए कि तालिबान और कश्मीर में बहुत फर्क है। अगर आपको ज़्यादा ही तालिबान प्यारा है तो 2 दिन वहाँ रह के देखो किस तरह के औरतों पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, औरतों की नीलामी की जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही है। लेकिन आपको तालिबान की बहुत बहुत फिक्र है और आप तालिबान मॉडल क्या कश्मीर में लागू करना चाहते हैं। क्यों छोटे छोटे बच्चों को आप उकसा रहे हैं, कश्मीर के बच्चों को उकसा रहे हैं, और वो बेचारे क्या करेंगे आपकी बातों में आके गन उठा लेंगे, गन उठाएंगे 24 घंटे में आर्मी इनकाउंटर कर देगी। क्यों बच्चों को बर्बाद करने पर आप तुले हो? महबूबा जी, ये भारत है, ये तालिबान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है। मोदी जी बैठे हुए हैं सेंटर में, जब तक मोदी जी है ना तालिबान यहाँ का बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी मानसिकता बदलिए। तालिबान का देखिए तालिबान ने क्या किया, औरतों की नीलामी हो रही है, 2-2 कोड़ियों में औरतें बिक रही हैं वहाँ पे, और आपको तालिबान की पकड़ी कि तालिबान जैसे हालात हो जाएंगे श्रीनगर में। आप यही चाहते हैं कि वहाँ भी आके आपको वहाँ औरतों की 2-2 कोड़ी में नीलामी हो? और सबसे बड़ी बात है कि जब तक भारतीय सेना है और केंद्र में मोदी जी हैं तब तक तालिबान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आपके लिए भी चेतावनी है और आपके जो आपके हमदर्द हैं उनके लिए भी चेतावनी है।
जब तक महबूबा मुफ्ती ने ऐसे बयान दिए हैं, हम हमेशा सड़कों पर रहे और केंद्र सरकार से एक ही मांग की है कि इस महबूबा मुफ्ती को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन केंद्र सरकार क्यों अभी तक ऐसी नेता को जो हमेशा देश के प्रति देश के खिलाफ जहर उगलती है उसको अभी तक खुला छोड़ा हुआ है। जब जब महबूबा मुफ्ती जितनी देर तक जेल की सलाखों के पीछे रही तब तक जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल रहा, लेकिन जब से केंद्र सरकार ने इसको रिहा किया है तब से यहाँ पर माहौल जो है वो खराब करती आ रही है। हम महबूबा मुफ्ती को चेतावनी देते हैं कि आने वाले दिनों में जब वो जम्मू में आएगी तो उसको भारी विरोध का सामना जो है वो हमारा सहना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर में पंच सरपंचों को आतंकियों द्वारा लगातार निशाना बनाए जाने के विरोध में ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस सड़कों पर उतर आई है। बारामूला जिले के रविवार रात को ही शकवारा इलाके में सरपंच नरेंद्र कौर के आवास पर हुए ग्रेनेड हमले में यहां आग में घी का काम किया गया है और पंचायत कॉन्फ्रेंस ने इन आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान की आतंकी तंजीमों को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि ये संगठन लोकतंत्र को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने वालों को निशाना बनाकर उनका मनोबल गिराने की फिराक में है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंद करो सरपंचों पे अत्याचार। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस मजम्मत करती है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे वो अजर महमूद हो, चाहे वो आफिस सैयद हो, चाहे वो ISI हो, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर खुसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर के पंचों सरपंचों का लहू जो है वो बहाया जा रहा है। सरपंचों पंचों को जो है वो कत्ल किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो अहम डेमोक्रेसी जम्मू के अंदर है, कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर में है, उसको खत्म करने की कोशिश जो है ISI, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार और उसके साथ साथ जो जितने भी मिलिटेंट जहाद काउंसिल के जो चेयरमैन सैयद सलाउद्दीन है, ये तमाम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी ना किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है उसको खत्म किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम तमाम लोग जो है एकजुटता से खड़े हैं और इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो शिवसेना बालासाहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उस समय उधमपुर के जखैरी में रोक दिया जब वो कश्मीर घाटी की ओर जा रहे थे, और पुलिस द्वारा रोके जाने पर शिवसेना बालासाहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहनी के अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया। और मनीष अगुवाई की यहां पर पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से की जा रही थी पुलिस की तरफ से कार्यवाही, लेकिन उसके खिलाफ आप देखिए नारेबाजी भी की गई। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहनी ने प्रदेश की इस कार्यवाही का पूरी तरह से कड़ा विरोध भी किया है। प्रशासन ने जिस तरह से कार्रवाई की है लोगों में काफी रोष देखा गया। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर घाटी के हालात इतने ही खराब थे तो उन्हें जम्मू में ही क्यों नहीं रोका गया। तो एक डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षा के साथ हम वहां पर जा रहे थे, उसके बावजूद यहां पर हमें चौक पर रोक लिया जाता है और कोई रीजन नहीं बताया गया। अगर किसी तरह की वहां कश्मीर के हालात अनुकूल नहीं है तो क्यों नहीं हमें वहां पर जम्मू से अनुमति दे दी गई, हमें जम्मू से ही रोक लिया जाना चाहिए था। यहां तक 75 किलोमीटर आगे आकर यहां पर सड़क के बीचों बीच हमें रोक दिया जाता है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका सरकार को जवाब देना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने जम्मू कश्मीर में उनके नेताओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। जम्मू में पार्टी द्वारा एक आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने कहा कि सुरक्षा को लेकर उन्होंने IGP से बातचीत कर ली है, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी के नेताओं को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे उनकी सियासी गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। ये चाहते हैं कि जो हमारे जो लीडरों को सिक्योरिटी वगैरह दी है, क्योंकि आज हालात जो हैं बड़े ख़राब जैसे महसूस हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो जान की हर एक की हिफाजत बनता है हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। तो इसीलिए हमने एक लेटर भी दी थी यहाँ पिछले दिनों, IG साहब से बात भी की कि हमारे कुछ एरिया में डिस्ट्रिक्ट वगैरह लेवल में हम ऑफिस वगैरह हमारे खुल रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट वगैरह हम ऑफिस में मीटिंगें कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग काफ़ी लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम सिक्योरिटी के लिए उनसे बात की थी, तो उन्होंने यही हमें कहा था कि हम जो सिक्योरिटी हो आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो सिक्योरिटी वहाँ पर मिल जाएगी, अगर रास्ते में कोई ऐसा वाकया हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, क्योंकि हमारी तो स्टेट बॉडी हमारे साथ होगी, हमारी टीम हमारे साथ होगी, तो कल को कोई रास्ते में ऐसे हादसा होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। हम
चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।